हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, फाइनली टीवीएस ने अपनी अपाची आरटीआर 162V और 182V के बिल्कुल ही न्यू वेरिएंट्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम प्राइसिंग डिटेल्स बताने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहा था प्राइसिंग और वेरिएंट्स को लेकर। तो वीडियो को पूरा देख लें और सब्सक्राइब कर दें जल्दी से फ्रेंड्स, 5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराएं, क्योंकि उसके बाद बिग गिवअवेज आने वाला है चैनल पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल डिस्क ब्रेक वाले मॉडल के बारे में। टोटल इसमें 3 वेरियंट्स कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसमें कि जो इसका स्टार्टिंग प्राइस रखा है कंपनी ने, वो रखा है 1,17,790 रुपीज़ के अप्रॉक्स में एक शोरूम, और ये दिल्ली का प्राइजेस है। बाकी अगर बात करते हैं डुअल डिस्क ब्रेक मॉडल के बारे में, तो इसका जो प्राइस है वो है फ्रेंड्स 1,21,290 रुपीज़ के अप्रॉक्स में। और इसका जो फ्रेंड्स ये जो 2 वेरियंट्स है, इसमें आपको ब्लूटूथ देखने को नहीं मिलेगा, बट ब्लूटूथ जो है वो इसके आपको टॉप मॉडल में मिलेगा, जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 1,24,590 रुपीज़ के अप्रॉक्स में एक शोरूम प्राइजेस रहा ये। अब रहा बात ऑन रोड प्राइजेस की, तो फ्रेंड जैसे ही बाइक्स अवेलेबल होगी आपके लिए हम ऑन रोड प्राइजेस भी शेयर कर देंगे। और अपाची आरटीआर 180 की बात करते हैं, तो उसमें एक ही वेरिएंट कंपनी ने रखा है, जिसमें कि आपको ब्लूटूथ वगैरह सब मिलता है, और उसका जो प्राइस है वो है 1,30,590 रुपीज़ के अप्रॉक्स में। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स दोनों वेरिएंट्स में डिफरेंस की, तो लगभग में 6,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स का डिफरेंस है, जिसमें कि 180 जो है वो आपको 6,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में मतलब कॉस्टली पड़ रही है, जिसमें कि आपको पावर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। इससे 1 BHP के अप्रॉक्स में पावर ज़्यादा है और टॉर्क भी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि कंपनी ने चेंजेस क्या कुछ किया है। तो फ्रेंड्स पावर में यहाँ पर अगर आप देखते हैं, तो 160 में अब जो आपको पावर मिल रहा है वो मिल रहा है 16.04 BHP का, जो कि लगभग में यहाँ पर फ्रेंड्स 0.51 BHP के अप्रॉक्स में ज़्यादा है, और टॉर्क जो है वो आपको मिलता है 13.85 Nm का। तो यहाँ पे पावर भी कंपनी ने इंक्रीज़ कर दिया है, यहाँ पे 2 kg से जो वेट है वो भी रिड्यूस हो गया, और यहाँ पे अब आपको LED लाइट्स का सेटअप मिलता है बिल्कुल ही न्यू डिज़ाइन का। यहाँ पे LED टेल लाइट्स कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, और फ्रंट का जो हेडलाइट है वो भी फुल्ली LED हो चुका है, जो कि आप लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे। डिज़ाइन यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सेम मिलता है फ्रंट से, बट लाइट जो है वो पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ पे अगर बात करते हैं मीटर की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको RTR 200 से इंस्पायर्ड यहाँ पे TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको ब्लूटूथ और गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर वगैरह मिलने लगा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड आप लोग कर रहे थे, तो कंपनी ने फाइनली प्रोवाइड कर दिया। और अब आपको फ्रेंड्स राइडिंग मोड्स भी मिल रहा है, जिसमें कि 3 राइडिंग मोड्स कंपनी ने रखा है, रेन, अर्बन और स्पोर्ट्स। तो जैसे ही बाइक आएगा डिटेल रिव्यू आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे मिलेगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब आप कर लें। और बात करते हैं टायर्स की, तो टायर्स पहले 110 सेक्शन का आपको मिल रहा था, अब 120 सेक्शन का आपको मिलेगा, और यहाँ पे फ्रेंड्स अब आपको मिलेगा एक्स रिंग चेन, जो कि बिल्कुल ही न्यू अपडेट रहने वाला है। मतलब चेन भी कंपनी ने चेंज कर दिया है इस बाइक का, जिससे कि फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस होगा और आपको परफॉर्मेंस और भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल में मेजर में ये जो चेंजेस था वो कंपनी ने किया है अभी इस बाइक में। बाकी फ्रेंड्स अब पता चलेगा जब बाइक आएगी, तो हम इसका डिटेल रिव्यू करेंगे, क्योंकि अभी जो पूरा लुक्स है फ्रेंड्स वो रिवील नहीं हो पाया है कि बाइक रियलिटी में देखने में कैसी लग रही है। यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह भी आपको बिल्कुल ही न्यू मिलता है, और फ्रेंड्स देखने में काफ़ी एग्रेसिव बाइक अब लग रही है। टेल लाइट्स का भी जो विजिबिलिटी है वो बढ़ गया है, फ्रंट का हेडलाइट भी अब अपडेट हो चुका है। तो आपको बाइक कैसी लगी कमेंट करें, और आप इस बाइक के लिए वेट करना चाहेंगे या नहीं वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।